था क्योंकि हर फोन बीप कर रहा था और बीप करते हुए एक अलर्ट मैसेज आ रहा था। ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज सरकार की तरफ से भेजा गया, लेकिन इसको लेकर के काफी यहाँ पर हलचल मच गई। तो इसलिए हमने सोचा कि हम बात करते हैं हमारे जो टेक्लूसिव वेबसाइट है उसमें काम करने वाले अवनीश जी से बात कर रहे हैं। और अवनीश जी, आप ये बताइए, ये जो मैसेज आया है ये कैसे आया और इसका क्या उद्देश्य क्या है इसके? ये मैसेज देखिए दूरसंचार विभाग की तरफ से भेजा गया है। बेसिकली इसको बहुत आम भाषा में समझे तो ये हमारी सरकार की तरफ से भेजा गया है। ये एक ऐसा मैसेज है, आज ये 12:15 से 12:30 बजे के बीच में 2 बार ये मैसेज आया है, एक बार इंग्लिश में आया है और एक बार हिंदी में आया है। ये मैसेज अचानक से आया और इतना लंबा बीप था कि लोगों को लगा अचानक से क्या हो गया, ये फोन में हो रहा है या कहीं और हो रहा है। बेसिकली इस मैसेज के पीछे का उद्देश्य ये है, सीधा सीधा ये एक टेस्टिंग फेज है अभी, और उस मैसेज पर साफ साफ लिखा भी है कि टेस्ट किया जा रहा है, आप इसको लेकर पैनिक ना हो, अगर ध्यान से लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा तो। ये एक मैसेज इसलिए भेजा गया है, ये एक टेस्टिंग फेज है कि आप देश में ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है, सपोज कीजिए कोई भूकंप आता है, कोई सुनामी आती है, और सरकार को ऐसा करना है कि उसको देश भर में हर आदमी के पास ये अलर्ट पहुंच जाए, ये इसीलिए टेस्टिंग हो रही है। और इसको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि उस मैसेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिख के आ रहा है, आप अगर इसकी हिंदी या इंग्लिश को पढ़ें, इसमें लिखा है भारत सरकार के